हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के 15 एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैप्टर के 15 और एमसीक्यूज आ चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किए हैं तो उन्हें भी सॉल्व कीजिए और असेस कीजिए कि आपको चैप्टर कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। अगर आप आसानी से एमसीक्यूज कर पा रहे हैं, दैट मींस आपने चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझा है। अगर आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी हो रही है तो चैप्टर को एक और बार समझिए, वीडियो को देखिए और फिर इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल एट अ प्लेस? ए साइक्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी रेन गेज। रेनफॉल मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी रेन गेज, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस आर फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स? Number 1, leaves are modified into spines. Number 2, leaves are either absent or very small. Number 3, roots are generally deep. Number 4, stems store water and carry out photosynthesis. अब आपके options हैं 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4. आपको बताना है desert plants में कौन-कौन सी adaptations होती है ताकि वो इतने extreme हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाए जहां बहुत कम पानी मिलता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। ये सारी ही जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अडेप्टेशंस है डेजर्ट प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में। स्पाइंस यानी कांटे। बहुत सारे प्लांट्स में या तो लीव होती ही नहीं या अगर होती है तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वेरी स्मॉल। इनकी रूट्स जो हैं वो जनरली डीप होती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं ताकि वो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, वहां से पानी ले सके। और स्टेम जो होती है डेजर्ट प्लांट की, वो वाटर को स्टोर करती है और फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करती है। ओके, सो चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ देखिए, ये है कुछ डेजर्ट प्लांट्स जिनकी लीव्स जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो गई हैं। कई प्लांट्स की लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं और कुछ प्लांट्स में तो लीव्स होती भी नहीं है, और स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन पोलर एरियाज विंटर टेम्परेचर कैन गो एज लो एज ए -27 डिग्री सेल्सियस, बी -10 डिग्री सेल्सियस, सी -37 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। पोलर एरियाज में विंटर्स में टेम्परेचर कितना नीचे तक जा सकता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज -37 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। -37 डिग्री सेल्सियस तक विंटर्स में टेम्परेचर चला जाता है पोलर एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन पोलर एरियाज? ए फॉक्स, सील, रेनडियर, मस्क ऑक्सन, रेड आइड फ्रॉग, वेल, टुकान, पेंगुइन, पोलर बियर, साइबेरियन क्रेन, और डी हो गया बोथ ए एंड सी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। पोलर एरियाज में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी बोथ ए एंड सी। देखिए, पेंगुइन्स, पोलर बियर, साइबेरियन क्रेन, फॉक्स, सील, रेनडियर, मस्क ऑक्सन, ये सारे आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख? ए हॉट एंड ड्राई, बी कोल्ड एंड ह्यूमिड, सी कोल्ड एंड ड्राई, डी हॉट एंड ह्यूमिड। लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी कोल्ड एंड ड्राई। दिस डिस्क्राइब्स द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स डेली वेदर रिपोर्ट इन इंडिया? ए मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बी एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट, सी वेदर डिपार्टमेंट, डी बोथ ए एंड बी। वेदर रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है वेदर रिपोर्ट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब्स केरलाज क्लाइमेट? ए हॉट एंड ड्राई, बी हॉट एंड ह्यूमिड, सी कोल्ड एंड ड्राई, डी कोल्ड एंड ह्यूमिड। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज हॉट एंड ह्यूमिड, ये है केरला का क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर टू एस्केप हार्श एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज ए अडेप्टेशन, बी माइग्रेशन, सी हाइबरनेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, एनिमल्स और बर्ड्स एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाते हैं टू एस्केप हार्श एनवायरमेंट। जैसे हमने पोलर एरियाज में पढ़ा था कि साइबेरियन क्रेन या और भी बहुत से बर्ड्स हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर एरियाज को, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है विंटर्स में, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लाइन टेल मकैक? Number one, lion-tailed macaque is a very good climber, spends a majority part of its life on tree, it rarely come down on the ground. Number four, it is also known as beard ape. इनमें से कौन कौन सी statements correct हैं? 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 and 4, ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लाइन टेल मकैक के बारे में। उसे बियर्ड एप भी कहते हैं, रेयरली पेड़ से नीचे आता है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लाइफ जो है वो ट्री पर ही बिता देता है, एंड ही इज अ वेरी गुड क्लाइंबर ऑल्सो। ओके, ये देखिए, ये है हमारा लाइन टेल मकैक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेड आईड फ्रॉग लिव्स ऑन ए लेक्स, बी पॉन्ड्स, सी ट्रीज, डी माउंटेन्स। रेड आईड फ्रॉग जो है वो कहां रहता है? द करेक्ट आंसर इज ट्रीज, राइट? हमने पढ़ा था ये है रेड आईड फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अडैप्टिव फीचर्स ऑफ एलिफेंट्स? एलिफेंट्स के अडैप्टिव फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर वन, एलिफेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। नंबर टू, एलिफेंट्स लार्ज ईयर्स हेल्प देम टू हियर वेरी सॉफ्ट साउंड्स। नंबर थ्री, एलिफेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। नंबर फोर, एलिफेंट्स लार्ज ईयर्स कीप देम कूल इन हॉट क्लाइमेट। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 and 3, 2 and 3। द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 and 4। ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है एलिफेंट्स के बारे में। ये चारों ही उसके अडेप्टिव फीचर्स हैं। एलिफेंट्स की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, तो वो आसानी से बहुत सॉफ्ट साउंड्स को भी सुन लेते हैं। टीथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके जो ये लार्ज ईयर्स हैं, बड़े बड़े कान हैं, वो उनको हेल्प करते हैं कि वो इतने हॉट क्लाइमेट में भी अपनी बॉडी को कूल रख सके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। बी
All changes in weather is caused by sun. C. Seasonal changes in weather is due to Earth's rotation. D. Maximum temperature of the day is recorded during afternoon. आपको बताना है इनमें से incorrect statement कौन सी है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. अब देखिए, वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमें पता है. ऑल चेंजेस इन वेदर कॉज्ड बाय सन, अनइवन हीटिंग बाय सन, राइट. मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग आफ्टरनून. अब ये वाली स्टेटमेंट देखिए, हमने पढ़ा था कि जो वेदर में सीजनल चेंजेस होते हैं, जो डिफरेंट सीजन आते हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो होते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से. अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो इस वजह से होते हैं. अर्थ की रोटेशन की वजह से नहीं होते. रोटेशन क्या है? अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, उसे हम रोटेशन कहते हैं. और अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? ए साइक्रोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी बैरोमीटर. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी बैरोमीटर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नंबर 1, क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज ड्राई. नंबर 2, पोलर रीजन रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट ऑन अर्थ. Number 3, humidity is amount of moisture present in air. Number 4, weather of a place always remain constant. अब options क्या क्या है? 1 and 4, 1, 2, 3 and 4, 2 and 4, 1, 2 and 4. Incorrect statement कौन सी है ये आपको बताना है. So the correct answer is D, 1, 2 and 4 incorrect है. चलिए देख लेते हैं. क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज ड्राई, यस ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेट है, वहां काफी रेनफॉल होती है. सेकेंड देखते हैं, पोलर रीजन रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट ऑन अर्थ, ये भी गलत है. पोलर रीजन को तो सबसे कम सनलाइट मिलती है. फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, वेदर ऑफ अ प्लेस ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, बिल्कुल भी नहीं. वेदर तो हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने चेंज होता है, राइट. ये वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट थी, दैट इज ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. बस ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, बाकी 1, 2 एंड 4 जो है वो इनकरेक्ट थी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन. नंबर 1, आसाम. नंबर 2, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नंबर 3, हिमाचल प्रदेश. नंबर 4, वेस्टर्न घाट्स. आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं इंडिया में, किस किस स्टेट में? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4. आसाम में मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड वेस्टर्न घाट्स में भी हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, ऑलराइट गाइस, ये थे हमारे 15 एमसीक्यूज. आई रियली होप आपने कुछ नया सीखा होगा. अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू, कीप स्टडिंग.